फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जटोली मंदिर, जो कि शुलनी यूनिवर्सिटी से 9 किलोमीटर और सोलन से 7 किलोमीटर दूर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भव्य मंदिर है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक प्लांटेशन कर रखी है और रुद्राक्ष के प्लांट यहाँ लगा रखे हैं ड्यू टू रिलीजियस रीज़न। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रुद्राक्ष लगते हैं वो लोग चुरा के ले जाते हैं और केवल 2 या 3 रुद्राक्ष ही इनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ मिलते हैं। और ये पंडित जी से कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में। नमस्कार जी, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताओगे? मंदिर के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या है ये हिस्ट्री? यहाँ सबसे पहले महाराज जी आए थे इधर जी 50 के दशक में जी। उन्होंने पता नहीं स्थान में क्या देखा कि ऐसी अलौकिक चीज थी, उन्होंने इस स्थान को कर्म भूमि बनाया अपनी और यहीं पर तपस्या करते रहे। तो तपस्या वो भोलेनाथ के भगत थे, मतलब उनके उनमें अटूट वो थी। उनका ये था कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर बने, भव्य मंदिर जो धामों में गिना जाए। अच्छा। तो सन 1983 में उन्होंने इसमें आधारशिला रखी इस मंदिर की और इसका आर्किटेक्चर को दिखाया, मिस्त्री को बताया कि ऐसे बनना चाहिए। और उसके बाद आज तो महाराज जी तो ब्रह्मलीन हो गए। 1 जुलाई को उन्होंने आधारशिला रखी और 10 जुलाई को महाराज ब्रह्मलीन हो गए। तो उसके बाद फिर वो अपने सामने कमेटी बना के थे, उस कमेटी ने इसको आगे चला रहे हैं ईमानदारी से, सच्चे। तो एशिया का सबसे टॉलेस्ट मंदिर है ये? एशिया का जो इसकी गुम्बद की हाइट है वो टॉलेस्ट है। ओके। तो ये फिर ये फंड किसने दिया इस मंदिर को बनाने, फंड कहाँ से? सब लोगों के दान से। अच्छा। कोई ऐसा कोई किसी सेठ है किसी ने दिया, सबके चुंबन पुल से बनाया। और इसमें जो शिवलिंग लगा है सफटिक मणि का शिवलिंग है और उसमें मान्यता यह है कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला शिवलिंग गिना जाता है। अच्छा। इसकी जो रेज हैं, इसकी जो वाइब्रेशन हैं, वो आप फील कर सकते हैं बैठ कर मंदिर में। और कुछ स्पेशलिटी है? बाकी महाराज ने यहाँ पे वो जलकुंड ने किया है, मतलब उसमें जल की ये माता है कि अगर किसी कोई दुख तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है, वहाँ भोलेनाथ पर जाके अपने वर्ज कर सकता है। और 7 इतवार का विधान है वो जल ले जाने का, वो जल आप हर इतवार अपने 7 इतवार घर ले जाएं, उसको आप पिए, घर में छिड़कें, अपने व्यापारिक स्थान में छिड़कें, तो सारे जो जाति कष्ट सब वो जल कहाँ मिलेगा? यहाँ कुंड है ऊपर। अच्छा। यहाँ पे है, आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भव्य जलकुंड है, भोलेनाथ विराजमान है वहाँ भी, वहाँ से वो जलकुंड जाता है। इतवार को ले जाते हैं लोग। अच्छा, आज नहीं ले जा सकते जैसे? नहीं, ऐसे नहीं है, उसका मंगलवार और इतवार का विधान है। तो वैसे इतवार का 7 इतवार का, और 7 इतवार आपको कंटिन्यूसली आना है, 7 इतवार आप ले जाइए। उसके बाद फिर जो भी आपने मान्यता रखनी, कोई ये नहीं है कि भी आप लाखों रुपए या कुछ, आप पुष्प भी मान्यता कर सकते हैं, आप कोई चीज़ मान्यता कर सकते हैं, मेरी ये दुख तकलीफ है ये मेरी मान्यता, मैं यहाँ चढ़ाऊँ, तो लोग फिर आते हैं वो यहाँ चढ़ाते हैं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये है इस मंदिर की हिस्ट्री और ये इस मंदिर का कैंपस है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं मंदिर देखने। और जैसे कि कल संडे है, तो संडे को तो कहते हैं कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है और आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सच अ वंडरफुल कैंपस एंड सच अ वंडरफुल व्यू। और अगर आप भोले बाबा जी के दर्शन करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं अंदर भोले बाबा जी। जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही जादू।
पर फिर भी थोड़ा ये लगता है मंदिर में लगा होगा।